सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को अपकमिंग ईवो बंडल्स कौन सा रिटर्न आएगा उनके बारे में अपडेट देने वाला हूं। साथ में आप लोग को अपकमिंग और भी अपडेट और इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वैसे यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला अपडेट होने वाला है ये होगा मोको स्टोर इवेंट को लेकर, जिसका बैनर भी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे। तो जी हाँ भाई, यहाँ पे इंडिया बांग्लादेश सिंगापुर सर्वे के लिए ऐसा मोको स्टोर इवेंट आने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे मोको स्टोर इवेंट देख पा रहे हो, सेम टू सेम ऐसे ही मोको स्टोर इवेंट आने वाला है इंडिया बांग्लादेश सिंगापुर सर्वर के अंदर, जिसका मेन प्राइस रहेगा साइक्लोन स्केटर नाम का ये वाला इमोट। और स्क्वाड बीट्स के रेटिंग ये वाला एनिमेशन इमोट को डिजाइन किया गया था, फाइनली जाके इसको रिटर्न किया जा रहा है। और कुछ दिन पहले मैंने आप लोग को बताया था कि इन सब थीम पे आइटम वगैरह रिटर्न आएगा। और इस इवेंट का डेट रहने वाले 14 मई। तो जी हाँ भाई, 14 मई को ये वाला इवेंट आने वाला है। इसी के साथ में गाइस यहां पे आप लोग को और एक अराइवल एनिमेशन इमोट मिलेगा जो है गाइस ड्रैगन वाला। ड्रैगन राइडर थीम पे आप लोग ये जो अराइवल एनिमेशन इमोट देख पा रहे हो ये आने वाले गाइस इंडिया बांग्लादेश सिंगापुर सर्वर के लिए, और डेट रहने वाले 14 मई को। तो कौन कौन यहाँ पे इनको निकालना चाहते हो गाइस कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस आप लोग कैसे कोई एक ही अराइवल एनिमेशन इमोट को निकाल पाओगे और आपका फेवरेट कौन सा है वो तैयार रखना। एंड 1000 डायमंड लगने वाले इसको निकालने के लिए। तो 14 मई को भाई ये वाला इवेंट आने वाला है। एंड अभी बढ़ते हुए हमारे अगले अपडेट की तरफ की यहाँ पे कौन सा इवो बंडल नेक्स्ट रिटर्न आने वाला है। तो गाइस यहाँ पे जो नेक्स्ट इवो बंडल रिटर्न आने वाला है उसका नाम होगा स्कॉर्पियो वॉइड बंडल। तो जी हाँ भाई, स्कॉर्पियो क्रिमसन वाला जो बंडल है इसको रिटर्न किया जा रहा है फाइनली यहाँ पे इंडिया बांग्लादेश सिंगापुर सर्वर के लिए। और जो बंडल है गाइस इसको रिंग इवेंट पे रिटर्न किया जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को 4 डिफरेंट टाइप का कलरफुल बंडल मिलेगा और यहाँ पे बेसिक बंडल रहने वाला है। एंड गाइस इस इवेंट की डेट की बात करें तो आने वाले जून महीने को इसका इवेंट आने वाला है। तो जी हाँ गाइस, आज से लेकर लगभग 1 महीने के बाद इसका इवेंट आने वाला है। एंड यहाँ पे आप लोग को इस बंडल की रेटिंग बाकी के कलरफुल बंडल भी यहाँ पे मिलने वाला है। और आप लोग यहाँ पे स्पिन करके ये सब कलरफुल बंडल को भी निकाल सकते हो, नहीं तो टोकन एक्सचेंज करके भी निकाल सकते हो। हर एक बंडल का यहाँ पे टोकन एक्सचेंज रेट रहने वाला है 200 टोकन और बेसिक बंडल का प्राइस रहेगा 100 टोकन। तो फिर से आप लोग डेट के बारे में सुन लो, आज से लेके 1 महीने के बाद मतलब जून महीने को इसका इवेंट आने वाला है। अभी कौन सा डेट पे आएगा ये तो डेट कन्फर्म नहीं हुआ, लेकिन महीना कन्फर्म हो गया है। और इन सब बंडल को एक्सचेंज करने का जो टोकन रहेगा देखने में कुछ इस टाइप का होगा, जिसका नाम होगा एलाइट फैशन टोकन। तो आप लोग इनसे गाइस सब एक्सचेंज वगैरह कर पाओगे। तो कौन कौन एक्साइटेड गाइस इस रिंग इवेंट के लिए कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस इस पूरा इवेंट को अगर आप लोग कंप्लीट करना चाहते हो तो कम से कम आप लोग को 6000 डायमंड लगने वाला है। तो अगर आप लोग इसको निकालना चाहते हो तो 6000 डायमंड तैयार रखना, अगले महीने को गाइस इसका इवेंट आ जाएगा। ये तो क्या गाइस हमारा स्कॉर्पियो बंडल का अपडेट। अभी मैं आप लोग को और एक बंडल का अपडेट देता हूँ जो रिटर्न आने वाला है। तो गाइस आप लोग को इस बंडल का तो याद ही होगा, जिसका नाम फ्रॉस्ट फायर बंडल है, देखने में बहुत ही कमाल का है। एंड बहुत दिन पहले विंटरलैंड स्पेशल इस बंडल को लॉन्च किया गया था। और क्या आप लोग को पता है ये वाला बंडल भी रिटर्न आने वाला है। अभी कब आने वाला ये डेट चलो मैं आप लोग को बता देता हूँ, तो आने वाले दिसंबर महीने को। तो जी हाँ भाई, 2024 का जो दिसंबर महीने आएगा उस टाइम को ये वाला बंडल रिटर्न आने वाला है। तो जी हाँ गाइस, इसको दिसंबर महीने की लॉन्च किया जाएगा, मतलब वापस रिटर्न किया जाएगा। अभी से लेके भाई और भी 6 महीना टाइम बाकी है। आप लोगों का बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था कि ये वाला बंडल कब रिटर्न आएगा, तो चलो मैंने आप लोग को फाइनली डेट भी बता दिया। और गाइस यहाँ पे जो आप लोग टोकन वगैरह देख पा रहे हो यही टोकन रहने वाला इस रिंग इवेंट के अंदर। तो आप लोग को भाई ये वाला रिंग इवेंट का अपडेट कैसा लगेगा जरूर बताना। और ये वाला इवेंट आने में भाई अभी भी बहुत टाइम बाकी, मतलब 6 से लेकर 7 महीने के बाद जाके इस बंडल को रिटर्न किया जाएगा। तब तक के लिए तो गाइस आप लोग डायमंड सेव कर सकते हो। तो जो लोग भी इसको निकालना चाहते हो नेक्स्ट दिसंबर महीने को इसको निकाल सकते हो। और गाइस इस बंडल की रेटिंग है जो बैनर और अवतार आप लोग देख पा रहे हो अभी तक गेम पे लॉन्च नहीं किया गया है। तो जब भाई ये वाला बंडल रिटर्न आने वाला दिसंबर महीने को, तो उस टाइम के भाई ये वाला बैनर और अवतार रिटर्न आ सकता है। रिटर्न की क्या बात बोल रहा हूँ भाई, इनको नया लॉन्च किया जाएगा क्योंकि पहली बार आने वाला था लेकिन उस टाइम को कैंसिल कर दिया गया है। अभी जाके भाई दिसंबर महीने को बैनर और अवतार आने वाला है। और गाइस इस बंडल की रेटिंग और इसके बैनर की रेटिंग आप लोग का जितने सारे क्वेश्चन और अपडेट जानना था मैंने आप लोग को बता दिया। अगर आप लोग कुछ और भी अपडेट और न्यूज जानना है तो कमेंट कर देना, मैं आप लोग को अगले वीडियो पे वो कमेंट पिक करके आप लोग का आंसर जरूर दूंगा। लेकिन गाइस यहाँ पे विंटरलैंड स्पेशल और एक छोटा सा अपडेट आएगा जो आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। तो गाइस यहाँ पे स्टोर के अंदर जो फ्रॉस्ट फायर हाइपर बुक देख पा रहे इसको ऐड किया जाएगा। लेकिन अभी सवाल आता है कि कब तक ऐड किया जाएगा, तो देखो भाई आने वाले दिसंबर महीने को इस वाले हाइपर बुक को यहाँ पे ऐड किया जाएगा। अभी दिसंबर के पहले भी इसको ऐड किया जा सकता है। तो अगर आप लोग के पास वाला हाइपर बुक नहीं है तो आप लोग स्टोर से इसको परचेस करके भी इजिली इसका रिवॉर्ड को अपग्रेड कर पाओगे। तो कौन कौन इसको लेना चाहते हो गाइस कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस अभी ये सारे आइटम रिटर्न आने वाले दिसंबर महीने को और विंटरलैंड स्पेशल इनको रिटर्न किया जाएगा। और भी कुछ आइटम आ सकते हैं तो उनका अपडेट मिलेगा तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। और भी बढ़ते हुए हमारे अगले दूसरे अपडेट की तरफ। तो गाइस ये वाला अपडेट होने वाले हमारे एक नया सा रिंग इवेंट को लेकर, जिसका नाम होगा हाइपर बुक रिंग इवेंट। तो जी हाँ भाई, इंडिया बांग्लादेश सिंगापुर सर्वर के लिए ऐसा एक सेम टू सेम रिंग इवेंट आने वाला जैसे आप लोग देख पा रहे हो। तो गाइस हाइपर बुक के यहाँ पे जितने सारे रिवॉर्ड है वो सारे के सारे रिवॉर्ड यहाँ पे स्पिन में भी ऐड किया जाएगा, साथ में आप लोग टोकन एक्सचेंज करके भी निकल पाओगे। और गाइस इस इवेंट का डेट रहने वाले 20 मई को। तो जी हाँ गाइस, यहाँ पे 20 तारीख को वाला रिंग इवेंट आने वाला है, जहाँ पे आप लोग इजिली आप स्पिन करके सारे रिवॉर्ड को निकल पाओगे, नहीं तो टोकन एक्सचेंज करके भी आप लोग इनको ले सकते हो। तो इसका स्पिन वीडियो में आप लोग को जरूर दिखाऊंगा, तो उसके लिए तैयार रहना। और टोटल यहाँ पे 2-3 हजार डायमंड के अंदर भाई ये वाला पूरा इवेंट
डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो कौन कौन इसको कंप्लीट करने के लिए तैयार हो जरूर बताना। एंड यहाँ पे आप लोगों ने जैसा बैनर और जैसा लुक देखा गया सेम टू सेम ऐसे ही रहने वाला है। तो कौन कौन इसको निकालोगे जरूर तैयार रहना, 2000 डायमंड लगने वाले इसको कंप्लीट करने के लिए। और बढ़ते हुए हमारे अगले दूसरे अपडेट की तरफ, ये वाला अपडेट होने वाले गाइस फेक मतलब कॉपी टाइप के, यहाँ पे जो पर्पल शेड का बंडल वगैरह उनको लेकर। तो जी यहाँ पे पर्पल शेड के रेडिंग एक नया सा हेयर स्टाइल को डिजाइन किया गया था, साथ में यहाँ पे वाटर बूम स्पेशल कुछ आइटम को भी डिजाइन किया गया है। तो कैसे आप लोगों का कमेंट है कि ये सारे आइटम के रेडिंग इवेंट कब तक आएगा। तो देखो भाई यहाँ पे ऑलरेडी समर इवेंट चालू है, तो आप लोग को समर इवेंट स्पेशल इन सारे आइटम का इवेंट कभी भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी इसके रिगार्डिंग जब तक ऑफिशियल बैनर निकल के नहीं आता तब तक भाई कुछ नहीं कह सकते। तो समर इवेंट स्पेशल में इनका इवेंट जरूर आएगा, तो जब आएगा तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। और अगर इसके रेडिंग कोई भी अपडेट आप लोग मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। एंड बढ़ते हुए हमारे अगले दूसरे अपडेट की तरफ, जो एक मिशन को लेकर जिसका बैनर भी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। तो जैसे आप लोगों ने सही देखा यहाँ पे समर होमवर्क नाम का एक सेकंड मिशन आने वाला है, जिसको कंप्लीट करेंगे तो आप लोग कुछ रिवॉर्ड वगैरह मिलेगा। तो कैसे यहाँ पे जैसे आप लोग मिशन देख पा रहे हो सेम टू सेम ऐसा एक मिशन आने वाला है, 13 से लेकर 19 तारीख तक डेली यहाँ पे मिशन आने वाला है समर होमवर्क नाम का। एंड डेली आप लोग को यहाँ पे कुछ वाउचर्स वगैरह मिलेगा। और कैसे यहाँ पे जो इवेंट है टोटल रहने वाला 7 दिनों तक, और 7 दिनों में आप लोग को 7 करके वाउचर मिलेगा, मतलब टोटल यहाँ पे 49 वाउचर आप लोग को मिल जाएगा। तो कौन कौन इस मिशन को कम्प्लीट करने के लिए तैयार हो तो जरूर तैयार रहना। और इन वाउचर से भी ज्यादा कुछ खास काम तो नहीं होने वाला, क्योंकि गोल्ड रॉयल पे आप लोग स्पिन कर पाओगे इस वाले वाउचर से। तो कौन कौन कलेक्ट करोगे जरूर बताना। एंड अभी बढ़ते हुए हमारे अगले अपडेट की तरफ, जो होगा टूनेट अपडेट को लेकर। तो कैसे आप आज रात 4 बजे के बाद गेम के अंदर एक नया सा इवेंट आएगा, जिसका बैनर भी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, जिसका नाम होगा चिकी रॉयल। तो जी कैसे आप लोग का फेवरेट यहाँ पे जो एग्जीमेंट आप लोग देख पा रहे हो भाई, इसके रेडिंग तो आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हो। फाइनली आज रात 4 बजे के बाद जाके इसका इवेंट आने वाला है। तो यहाँ पे अभी आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है की इस गन को निकालने के लिए टोटल कितना डायमंड लगने वाला है। तो देखो भाई अगर आप लोग 3000 डायमंड यहाँ पे स्पेंड करो ना, तो यहाँ पे जितने सारे आइटम है सारे आइटम आप लोग को मिल जाएगा। तो जी कैसे यहाँ पे अगर आप लोग 3000 डायमंड का स्पेंड करो तो आप लोगों को ना कोई आइटम जरूर मिलेगा। 50 स्पिन के अंदर गारंटीड है कि आप लोगों को एक ना एक आइटम जरूर मिलेगा। एंड यहाँ पे कोई भी आइटम रिपीट नहीं होगा, मतलब ग्रैंड प्राइस आप लोगों को दोबारा नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे स्पिन करना चाहते हो तो तैयार रहना, आज रात 4 बजे के वाला इवेंट आने वाला है और टोटल 3000 डायमंड के अंदर सारे आइटम निकल जाएगा। तो कौन कौन आप इसका स्पिन वीडियो देखना चाहते हो कॉमेंट करके जरूर बताना। और कैसे आप लोग का बहुत सारे कॉमेंट आ रहा है कि यहाँ पे थ्रोनीमोट कब तक आएगा। तो देखो गाइस मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे थ्रोनीमोट रिटर्न आने वाला है, क्योंकि इसके रेटिंग अभी तक तो मुझे कोई लीक या अपडेट तो नहीं मिला, और आगे जाके भी शायद इसको रिटर्न नहीं किया जाएगा। बट गाइस जब यहाँ पे FFW7 स्टार्ट होगा तब शायद जाके रिटर्न आ सकता है। बाकी इसके रेटिंग रिटर्न आने का कोई भी अपडेट अगर मुझे मिलेगा तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा, उसके लिए आप लोग तैयार रहना। एंड कुल मिलाकर कैसे थे हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट अपडेट के साथ।